Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Our Legal Matters, where we'll be discussing legal issues, immigration, civil litigation and representation. And like always, we're going to be having an interactive program where we'll be discussing other issues as well, which are current issues, which are affecting the normal people living in the country. And if you've got any other concerns or issues, then please feel to contact us on our television program. Our number will be on the screen. You'll be able to contact us. And if you do feel that you want to discuss something in private or you have a long question, then please take our details from the control room where they will pass it on to us and we'll be more than happy to provide you that information. Up here, up in the janazi, and so you be getting chalti, tap up the television ki jo awaaz hai, usse kam rakhein jo, usme interference nahi hai, jo hamari jab call hai, jab aap studio mein kar rahe hain, usme saaf awaaz nahi aati hai. And as usual, may I please your panel uncle welcome Karta, who are sharing a platform with me. I want to welcome Ali Reza. Assalamu alaikum. Islam and Shazi Anjib Solicitor. Baba Shukriya. And Raj Saab, who's a community leader. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Baba Shukriya. And as usual, abhi jo hamara jo program hai, time ki wajah se aap se ye kahenge, to aap abhi dekh rahe honge television pe, hamara number aa gaya screen pe. Agar aapka any issue regarding immigration ya anything to do with legal, then please aap hame contact karein, we'll be more than happy. लास्ट वीक हमारे पास कुछ कॉल्स आई थी जिनको हम नहीं ले सकते थे बिकॉज ऑफ द टाइम, तो उनको भी हमने कोशिश करी थी लेटर उनको एडवाइस देने की. अगेन आपसे ये होगी दैट आपने क्वेश्चन शॉर्ट रखे सो दैट वी कैन गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. तो लास्ट वीक के प्रोग्राम में वी डिड डिस्कस अबाउट द स्पाउस वीज़ा, उसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके एग्जेम्पशंस क्या हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर आप उस क्राइटेरिया को नहीं मीट करते हैं, तो किस तरह से एप्लीकेशंस को करना चाहिए, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक. फिर हमने लास्ट वीक ये भी बताया था वी कैन डिस्कस अबाउट द यूरोपियंस, जो यूरोप में जो इधर आ गए उसका ब्रेक्सिट का क्या इशू होगा. वी सेड वी कैन डिस्कस दिस टुडेज प्रोग्राम, वी विल बी डिस्कसिंग. पर आज शुरू करते हैं तो जो स्पाउस वीज़ा थे उसका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसकी जो एग्जेम्पशन के अलावा कुछ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने व्यूज़ को पता चले, जो इस वक्त यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो चाहते हैं, जिनके फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे यूके में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. पेरेंट्स ऑफ अ ब्रिटिश चाइल्ड, शाजिया इससे हम शुरू करते हैं. एज अ पेरेंट, शुक्रिया मिस्टर रिजवी. ये ऐसा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जिस पे हमारे इमिग्रेंट्स को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. इसमें ना सिर्फ ये कि उनके जब फिनंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो ना सिर्फ ये कि वो महरूम रह जाते हैं अपने वीज़ा से, बल्कि वो महरूम रह जाते हैं अपनी फैमिली लाइफ को इस्टेब्लिश करने में भी. तो नाज़रीन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इमिग्रेशन रूल्स के अलावा आप पे ह्यूमन राइट्स के का इतलाक भी होता है, और उस सिलसिले में आपको ये बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज़ को कंसिडर करना होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन इमिग्रेशन रूल्स की कैटेगरी में फेल हो भी जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऐसे तमाम हमारे नाज़रीन जो स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि अगर उनके चाइल्ड जो है वो ब्रिटिश है और यहाँ पर यूके में रह रहे हैं, तो वो आप एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन डाल सकते हैं. एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लगेगी. उस पर अगर आप फिनंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं भी करते, फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा. इस सिलसिले में आपको ये भी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, आपने एक्सेस टू चाइल्ड एप्लीकेशन करना है. आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स आपको ये पूरी करनी होती है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में, आपके पास जो अग्रीमेंट है आपके पार्टनर का कि वो इस चीज़ की आपको कंसेंट दे रहा है कि जब आप इस मुल्क में आएंगे तो आप चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में किरदार अदा करेंगे. अगर किसी वजह से आपके जो स्पाउस है वो आपको अग्रीमेंट भी नहीं देता और आप दूसरे किसी तरीके से भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते कि आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटल, तो फिर तीसरा तरीक़ेकार क्या है? तीसरे तरीक़ेकार में आप कोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप अपने बच्चे को ज्वाइन करें. यहाँ पर आप कोर्ट ऑर्डर लेंगे, कोर्ट ऑर्डर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपके बच्चे की, और उस सूरत हाल में आप चाइल्ड एक्सेस टू चाइल्ड के एप्लीकेशन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और एंट्री क्लियरेंस का एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी इशू आता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स से भी प्रॉब्लम में आते हैं और वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए मदर जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकती. तो ऐसी सूरत हाल में भी ज़रूर आप
कंसल्टेंट से जो आपके सोलिसिटर हैं लीगल एडवाइज़र हैं आप किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर आप रब्ता करें क्योंकि ऐसी एक्सेप्शंस कानून के अंदर ही मौजूद हैं कि जिसमें अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं किया या नहीं कर सके उसकी रीजंस क्या थी और किस वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशन हो सकते हैं तो ये ऐसी हर्डल्स हैं जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं और ये ऐसी हर्डल्स हैं जिसको आप रिमूव करके अपने बच्चों को यहाँ यूके में ज्वाइन कर सकते हैं जी। एक चीज़ जो रिजवी साहब आपने शुरू में बात की थी ड्रिविटिव राइट्स के बारे में नाज़रीन को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप ड्रिविटिव राइट्स के सिलसिले में भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस डिस्कशन में भी आ गई पर अभी जो आपका कह रहे थे पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे शाजी थैंक यू फॉर दैट पर आपसे दूसरा मैं यही बात करना चाह रहा था जो ऑब्वियसली जब 18,600 रिक्वायरमेंट है तो अगर कोई बच्चा अगर पेरेंट के वन ऑफ द पेरेंट्स इज इन यूके जैसे आदमी द मैन इज इन यूके और उसकी वाइफ पाकिस्तान में और वाइस वर्सा वाइफ इधर है और उसका हस्बैंड पाकिस्तान में तो जो पहला चाइल्ड होगा जो उनका और भी बच्चे हों वो पाकिस्तान में जैसे हैं उनके चिल्ड्रन शी मे हैव चाइल्ड और इन पाकिस्तान तो उसके वो भी बताते चलें उनकी जो फीस है वो 3,800 उनकी देना पड़ती है पहले चाइल्ड की और सबसिक्वेंट चाइल्ड की 2,400 ऐसी सूरत हाल में है जिनके बच्चे वो ब्रिटिश नहीं होते जी। और वो डिपेंडेंट होते हैं वहाँ पर रह रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज right. में और वो यहाँ पर ब्रिटिश नहीं होते उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि पहले बच्चे के लिए 3,400 की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस की है 3,800 पाउंड की और उसके बाद एवरी चाइल्ड के लिए आपको 2,400 जो पाउंड है वो आपको शो करना होता है एवरी अदर चिल्ड्रन लेकिन ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है ये उन लोगों के लिए है जो ब्रिटिश चिल्ड्रन नहीं होते अगर आपका कोई ब्रिटिश चाइल्ड इस मुल्क में है देन आप एग्जेम्प्टेड हो गए अगर आपके बच्चे ब्रिटिश नहीं हैं और वो आपके डिपेंडेंट हैं तो फिर आपको ज़रूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करनी होती है इन चीज़ों को आप कन्फ्यूज नहीं कर सकते थैंक यू शाजी ये बहुत ज़रूरी था दिस वाई अपने व्यूज़ों को बताना ज़रूरी था that the distinction between the two bahut acha apne baat par is pe discuss karna hai and we obviously this spouse visa ka jo requirements we're going to continue this one thoda sa aur bhi baat karenge but aaj abhi hum thoda sa ye bhi baat karte hain jo Europeans jo yahan pe so rare hain and they come from Spain Italy se aaye hain and various other countries in Europe se jo is yahan baithe hain jo unko pata hai is waqt par changes aa rahe hain Brexit ka bhi issue hone wala hai so let's just talk about jo EU ke rules ke mutabik jo baat karna hai फॉर एग्जाम्पल अभी लोग ज़रा कन्फ्यूज भी हैं ब्रेक्सिट में ब्रिटिश लोगों को भी नहीं पता इस वक्त थ्रीज़ा में क्या करना चाह रही बिकॉज इनका कोई डील ही नहीं बनाया अभी एंड डील इज़ नॉट वो कह रहे हैं अभी होने वाला इज इज़ ऑलमोस्ट टू बी कम्प्लीटेड सून बट वी डोंट नो व्हेन तो जो यहाँ पे जो यूरोपियंस रह रहे हैं और वो आए हैं फ्रॉम यूरोप तो उनको अपनी जो एक्सरसाइज एंड ट्रीटी राइट्स हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू गेन एक्सेस टू यूके और अगर उनको लीगलाइज करना है जिसे कहते हैं अपने स्टेटस को सो लेट्स टॉक अबाउट उसमें पांच कैटेगरीज होती हैं ट्रीटी राइट्स की लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जिसमें जॉब सीकर्स हैं वर्कर्स हैं सेल्फ सफिशिएंट हैं स्टूडेंट इसमें से मैं एग्जांपल दे आपसे बात करना चाहता हूँ जॉब सीकर जो है उसे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो नाज़रीन को मैं ये बताती चली जाऊं कि जब आपके यूरोपियन रेगुलेशन फ़िलहाल जो अभी अप्लीकेबल हैं वो 2006 के हैं और जब आप किसी अपने फैमिली मेंबर्स को यूरोप से आप यूरोपियन हैं और आप किसी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर उनके लिए फैमिली परमिट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको जो होता है अपने फैमिली मेंबर्स को शो करने के लिए आपको 5 किस्म के ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने होते हैं यूरोपियन नेशनल को अब ट्रीटी राइट आम लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं अब जो यूरोपियन नेशनल यूके में रह रहा है उसको चाहिए कि वो या तो इन जैसे रिजवी साहब ने बात की है कि वो 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आना ज़रूरी है अगर उसमें वो नहीं आते तो फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस उनके इसी बेसिस पे रिफ्यूज़ हो जाते हैं अब पहली कैटेगरी जिस तरह से इन्होंने बात की है कि या तो वो जो यूरोपियन नेशनल है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हो और वो काम कर रहा हो नो मैटर कि वो उसके पास 1 महीने की पे स्लिप है फिर भी एप्लीकेबल हो जाएगी दूसरी बात उसमें ये आती है कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको HMRC को नोटिफाई करना होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपको अकाउंटेंट का लेटर लेना होता है तो उसमें फिर ये कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं
अब तीसरी बात कि ना तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ना ही आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो तीसरी बात ये होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि बस हम एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कर रहे लेकिन हमें हमारी फैमिली परमिट दे दिया जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपको जॉब सीकर अलाउंस, जॉब सीकर्स की कैटेगरी में आना होता है, जिसकी बेसिस पे आप जॉब सेंटर में जाते हैं, अपने एक्टिवली जॉब तलाश कर रहे होते हैं और ऐसी सूरत हाल में आप अपनी तरफ से अपनी कंप्लाइंस कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं होती तो आपको जॉब सीकर अलाउंस मिल जाता है। उस जॉब सीकर अलाउंस की बेसिस पे भी आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने की मद में आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी और बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर को इस वजह से नहीं बुला सकते थे कि वो एम्प्लॉयमेंट में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में उनका जॉब सीकर अलाउंस उनको मिलना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी आ जाओ मेडिकल पे, आप एक और चीज़ भी बताती चलें, स्टूडेंट्स दे कम इन दैट कैटेगरी, स्टूडेंट एंड समबडी सेल्फ सफिशिएंट जिसके पास डिपेंड नहीं है किसी पर, इसका इनफ मनी अपने पे डिपेंड कर सकते हैं, सो सेल्फ सफिशिएंसी उसे कहते हैं। ये भी बता दी चले जो कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल जो इंश्योरेंस है, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। जी जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टडी का राइट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और वो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अपने ट्रीटी राइट्स, अब स्टूडेंट्स अपने ट्रीटी राइट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, या फिर जिस तरह से रिजवी साहब ने बात की है कि सेल्फ सफिशेंट लोग जो हैं जिनके पास अपना इनफ अकोमोडेशन का, मेंटेनेंस का इनफ बैलेंस मौजूद होता है और वो पब्लिक फंड्स पे रिलाई नहीं करते, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जो एक यूके वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो स्पेसिफिक एक मेडिकल इंश्योरेंस होती है, वो आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल मेडिकल इंश्योरेंस हर तरह की मेडिकल इंश्योरेंस अप्लीकेबल नहीं होगी, आपको स्पेसिफिक मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पर्पसेस ऑफ वीज़ा लेनी होगी जो आप इस मुल्क में अपने आप को कवर कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास यूरोपियन की मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड मौजूद होता है लेकिन वहाँ पर आर्गूमेंट्स आ जाता है, समटाइम होम ऑफिस वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं, समटाइम होम ऑफिस वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपने गूगल से, अगर आप किसी अकाउंटेंट से या सोलिसिटर से हेल्प नहीं ले रहे तो आपने खुद गूगल से सर्च करना है, उनको टेलीफोन करके पूछना है इंश्योरेंस वालों को कि क्या ये आपको उस सिलसिले में कवर करेगी कि आप सेल्फ सफिशिएंट के पर्पसेस के लिए जब आप एप्लीकेशन डालते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा फर्दर क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए और इंश्योरेंस करवानी चाहिए। ये भी बताते चलते हैं, ज़रूरी होता है अपने जो एप्लीकेशन है पर जब वो खुद अटैम्प्ट करें, खुद गूगल से देखें, खुद अपने तरीके से करें, गलतियां कर देते हैं, रिफ्यूज़ हो जाती है, रिजेक्शन हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, छः महीने उनको वेट करना पड़ता है, डिसीजन में आने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं कभी कभी, ये भी बेस्ट है वो कोई सोलिसिटर से कांटेक्ट करें। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट हो आप एडवाइस, कम अज़ कम आप एडवाइस ज़रूर लें, उसके बाद आपके पास अपना वे होता है कि आपने सोलिसिटर को इंस्ट्रक्शन देनी है या नहीं देनी, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव स्पेशलिस्ट ओपिनियन व्हेन यू फाइल योर केस टू द होम ऑफिस। तो ये वो चीज़ें हैं जो यूरोपियन एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल का सबब बनती है, मेडिकल इंश्योरेंस का ना होना, अपने ट्रीटी राइट का एक्सरसाइज ना करना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को यूरोपियन नेशनल को कंप्लाई करना चाहिए, अगर कंप्लाई नहीं करेंगे या तो आपको फैमिली परमिट नहीं मिलेगा, अगर आपको फैमिली परमिट मिल भी गया है तो आपकी परमानेंट रेजिडेंस में प्रॉब्लम आएगी और आपकी परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी और तब आपके हाथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वक्त गुजर चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है और इस कंप्लायंस के साथ आप अपने एप्लीकेशन को, फैमिली परमिट को अप्लाई करते हैं जो रेगुलेशन सिक्स है जिसके तहत उनको खुद भी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है यूरोपियन नेशनल को, और रेगुलेशन 7 के तहत अपने फैमिली मेंबर्स को आप बुलवाते हैं, और डायरेक्ट फैमिली मेंबर जो नहीं होते, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके डिपेंडेंट्स होते हैं, वो आपके रेगुलेशन 8 में आएंगे, उसके तहत यूरोपियन रेगुलेशन 8 के तहत आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को भी इस मुल्क में बुलवा सकते हैं। तो पहली चीज अगेन बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लोगों को बताते चलते हैं जो नाज़रीन वॉच कर रही, तो ये जो ट्रीटी राइट्स हैं इसको कहते हैं वंस यू इस पर जब आप कैटेगरी में इन 5 में से किसी पर आ जाते हैं तो उस पर से कहते हैं एज अ क्वालिफाइड पर्सन, उसे बहुत ज़रूरी होता है, दैट्स एन एप्लीकेशन मस्ट बी डन फर्स्ट, इज कॉल्ड अ QP। तो दूसरी बात है वंस यू डन एंड QP बन जाते हैं क्वालिफाइड पर्सन, ये 5 कैटेगरीज में कोई सी भी कैटेगरी में आ गए, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसे उनको फॉलो ऑन करना पड़ता है इज कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंसी, जो होता है PR जिसे हम बोलते हैं,
वो 5 years के बाद completion के बाद you get your permanent residency. इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं. इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जब यूरोपियन नेशनल खुद भी इस मुल्क में आते हैं तो वो अपने आप को बाज़ोकात रजिस्टर नहीं करवाते. वो समझते हैं कि हमें फ्री मूवमेंट का राइट है, हम इस मुल्क में आ गए हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है अपने आप को क्वालिफाइड पर्सन रजिस्टर करवाने के लिए. उस वक्त तक तो ठीक है, आप अपने फ्री मूवमेंट के राइट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कल को जब 5 साल के बाद अगर आप अपने आप का परमानेंट रेजिडेंस, उसके बाद नेशनैलिटी, यूके की नेशनलिटी के लिए आपने अपना एप्लीकेशन डालना है, तो जो यूरोपियन नेशनल भी हैं उनको भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और उस रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको यहाँ का पासपोर्ट या यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिल सकती. तो यहाँ की नेशनलिटी के लिए जो यूरोपियन नेशनल हैं, बेशक वो फ्री मूवमेंट के राइट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाइड पर्सन के तौर पर रजिस्टर करवाना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप इस मुल्क में आते हैं, आप अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रीटी राइट, तो आपको साथ ही अपनी एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा करने होते हैं. अगर आप उसमें से कुछ भी ब्रेक कर जाते हैं, आप 3 months अपने एक्सरसाइज नहीं करते ट्रीटी राइट्स, आप अपने काम को खत्म कर देते हैं 6 months के लिए, आप सोचते हैं कि जब आप परमानेंट राइट्स के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आप दोबारा काम कर लेंगे और आपकी परमानेंट राइट की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है. आपको कंटिन्यूटी के साथ अपना ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज करना होता है, कंटिन्यूटी के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशन में रहना होता है, या फिर ये शो करना होता है कि आप सेल्फ सफिशेंट पर्सन हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. कंटिन्यूटी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. आपको अपने जो आपके बिल्स हैं, आपके जो प्रूफ ऑफ इनकम है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो एवरी ईयर आपके P60 आपको संभाल के रखना है, सेव करके रखना है. और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपके हर साल के जो आपके अकाउंट्स हैं, ऑडिटेड और अनऑडिटेड, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अपने अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं, प्लस अकाउंटेंट का लेटर आपको, प्लस बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 5 years. ये चीज़ें आपको सेव करके रखनी होती हैं, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कंटिन्यूटी के साथ पूरे 5 साल के डॉक्यूमेंट्स, ना सिर्फ ये कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट, प्रूफ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसके लिए आप जॉब सीकर अलाउंसेस, सेल्फ सफिशिएंट पर्पसेस के लिए वो प्रूफ, और इसके साथ ही साथ जब आपको बाकी अगर आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप फैमिली मेंबर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें 5 साल के पीरियड्स को कवर कर रही हूँ. 5 साल के पीरियड्स के डॉक्यूमेंट्स आप सेट बना कर लगाएंगे, उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप मिसिंग कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि होम ऑफिस जो है वो बहुत केयरफुल इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, और बहुत केयरफुल तरीके से आपको 5 साल की कंटिन्यूटी आपको हर सिस्टम में शो करनी होती है. एम्प्लॉयमेंट में है तो तब आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है तो फिर आपको अकाउंटेंट के लेटर्स की, ऑडिटेड अकाउंट्स की, बैंक स्टेटमेंट्स की, और आपका जो ट्रेडिंग, अगर आपकी ऑफिस की लीज है, अगर आपके पास कोई लाइसेंस रिक्वायर, अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो आपको एवरी ईयर जो लाइसेंस आप रिन्यू करवाते हैं उसकी कॉपीज आपको साथ लगानी है. अगर आप कोई टेक अवे रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो एवरी ईयर जो आप प्लानिंग परमिशन या कौंसिल से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वो आप साथ लगाएंगे. इसके अलावा आपके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कि आप एक जगह पे रह रहे हैं, एक जगह पे आप लोगों के बिल आ रहे हैं फैमिली के, आप एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन एप्लीकेशन डालने के लिए एक क्रेडिबिलिटी के साथ आपको एप्लीकेशन डालना होता है, और उसके साथ आपको अपने अनेक्सर्स बनाकर एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं. जी जी. तो अगेन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट फॉर द 5 years. फॉर द 5 years एंड यू मस्ट बिकम अ क्वालिफाइड पर्सन. And then you can only do the PR, जिस तरह शाजी ने बताया, permanent residency जो करें. And चलें कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं. वेलकम टू लीगल मैटर्स. जी कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन सा? लाहौर से बात कर रहा हूँ जी. जी वेलकम. अगर किसी के बेटे के पास वहाँ की नेशनैलिटी है तो आया वो अपने पेरेंट्स को अपना वो दिला सकते हैं नेशनैलिटी? बच्चे की उम्र बता दीजिए, बच्चे की उम्र कितनी है? वो उसकी उम्र 35 है. 35 years. ये डिफरेंट कैटेगरी में आपका आता है. ये आपका एडल्ट जो डिपेंडेंट
रिलेटिव होते हैं उस कैटेगरी में आप आ जाते हैं. जो प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी वो हमने एक्सेस टू चाइल्ड बात की थी, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये डिफरेंट कैटेगरी में है. इसको आप बोलते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स, बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है. उसके लिए आपको डिपेंडेंसी शो करनी होती है, उसके लिए आपको ये शो करना होता है कि आप डे टू डे अपनी केयर नहीं कर सकते, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अपने बेटे से मिल रही है और आप पाकिस्तान में आपके लिए मुनासिब केयर मौजूद नहीं है, मुनासिब सिस्टम मौजूद नहीं है और आप अपने बच्चे के बगैर वहाँ पर अपने बेटे के बगैर वहाँ पर नहीं रह सकते पाकिस्तान में. ऐसी सूरत हाल में आप बिल्कुल आपका बेटा आपको बुला सकता है, लेकिन उनको सारी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी. कैटेगरी का नाम आपका आ जाएगा एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स. उसमें बहुत सारे नाज़रीन के लिए जी उसमें आपको ये होता है, उसकी अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो आपको इंडेफिनेट लीव टू एंटर मिलती है. आपको परमानेंट उसमें इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल सकता है बाद में, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं. अगर नहीं है तो फिर आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद एक्सटेंशन होती रहेगी, फिर आप 10 ईयर्स के रूट पर चले जाएंगे. लेकिन उसके लिए आप किसी सोलिसिटर से रब्ता करें, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल एप्लीकेशन है. इसमें आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, इसमें बहुत सारे आपके मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी भी चाहिए होती है. तो ये सारी रिक्वायरमेंट के बाद आप अपने आप अपना एप्लीकेशन ज़रूर डाल सकते हैं. आप यहाँ पर आपका बेटा आपको बुलवा सकते हैं. थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. बस ये बताते चलते हैं, ऑब्वियसली अगर आपकी डिटेल क्वेश्चन है तो आप ऑफ एयर हमारी डिटेल्स ले लें, वी बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो शांसी एक और बात हमने एक नाज़रीन को बताते चलते, रिटेनिंग राइट्स और रेजिडेंस जो होती है जी, दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज वेल. ये डायरेक्टिव ऑफ 2004 पैराग्राफ 38 जो ई लेजिस्लेशन से इसके मुताबिक जो है, सो समबडीज आर नॉन ई नेशनल ये उनकी होता है. इस पर थोड़ी सी बात करते हैं फ्यू मिनट्स. रिटेन राइट्स नाज़रीन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, अपने यूरोपियन नेशनल पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे आके उनका या तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है या उनका जो पार्टनर है वो उनको छोड़ के यूरोप वापस चला जाता है, या फिर ऐसे होता है कि उनकी डिवोर्स हो जाती है. तो ऐसी सूरत हाल में जो मिस्टर रिजवी साहब ने बात की है रिटेन्ड राइट्स ऑफ रिटेन रेजिडेंस इस मुल्क में, उसके लिए आपको राइट्स ऑफ रेजिडेंस जी, उसके लिए आपको ये चलो कॉल आ रही से शामिल करते हैं, फिर आपसे डिस्कस करते हैं. वेलकम टू लीगल मैसेज. कौन कहां से? हेलो, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन नाउ? या कैन वी हैव योर नेम प्लीज? इट्स मिसेस आसिफ. ओके, वेलकम टू द प्रोग्राम, यू लाइव ऑन एयर, कैन वी हैव योर क्वेश्चन प्लीज मिसेस आसिफ? The question is basically, I want to apply for my indefinite leave for 10 years, okay. But my dependents are on, obviously my dependents have still got visa for until the end of the year, next year. Mm-hmm. Do you have to apply straight away or can I just apply for my indefinite leave and can I wait for them until their visa runs out? Okay, then we've got a question. We'll inka jawab denge after the abhi break it off jayenge. उसके बाद आएंगे, वी विल गिव द आंसर. थैंक यू मिसेस आसिफ. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क? एक क्वेश्चन मुझे इनसे करना होगा. कैन यू जस्ट इन्फॉर्म अस हाउ मेनी इयर्स इट्स बीन सिंस यू आर इन दिस कंट्री? 10 इयर्स, विल बी 10 इयर्स. 3 इयर्स यू बीन इनटू दिस कंट्री? 10 इयर्स, शी हैज बीन 10 इयर्स. 10 इयर्स. वी जॉब देंगे इनको, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, वी विल कम बैक. दैट्स कंटिन्यूटी के बारे में जी पूछेंगे. इज थैंक यू मिसेस आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है ना, ऑब्वियसली विल कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर पे आएंगे. तो अभी थोड़ा सा अभी जो हमारी डिस्कशन चली बहुत इंटरेस्टिंग है शाजी, वी आर टॉकिंग अबाउट. अभी थोड़ा सा मैं अली रजा को और अपने राजा साहब को इन्वॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा जनरल जो इश्यूज है अभी, दे विल कम बैक टू दिस. सो अगर आपके कोई लीगल इश्यू प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें, यू गॉट आवर टेलीफोन नंबर ऑन स्क्रीन. और अगर आप प्राइवेट को डिस्कशन चाहते हैं, समथिंग ऑफ है, देन प्लीज़ टेक आवर डिटेल फ्रॉम द कंट्रोल रूम. Anyways, आपसे ये बात करनी, last week we did talk about some other issues about हमारे general program में, we have been talking about issues and world issues affecting the communities living in UK and around the world. जैसे वक्त हो रहा है, we talked about Jamal Khashoggi last week के program में, and things have developed since that time because the Saudi regime के बारे में पहले तो उन्हें के weren't aware of what happened to. थोड़ा सा इस पे बात करें. The answers now are that Jamal was killed in the embassy.
but he was accidentally killed. And he got into a fight with 15 people. It sounds absolutely absurd. To me, it just seems like they're going to try to avoid and just hope that the thing goes away, the regime. Mm. And as powerful as Saudi is, I just want to see what will happen. What kind of sanctions? You know, there has to be something done. You can't leave this alone. I mean, this is blatant murder in a sovereign country. Absolutely. Rezab, आपने सुनाई आप आप ही बहुत अपने अपने जो passionately आपने last week program में अपने views को on air कर रहे थे. तो ये जो Saudi regime ने तो पहले तो मना करा था उन्होंने तो ये कहता हमें we have nothing to do with it. ये Turkish embassy में जो वो कत्ल हुआ है बंदा जो journalist था. अब उन्होंने 20 दिन के बाद उन्होंने acceptance कर लिए. तो जिस तरह Ali Reza ने mention कराए, the 15 people attacked him, थोड़ा सा argument हो गया था उसके बाद वहाँ ये इश्यू बनाई. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 50 नहीं, वो 18 पीपल उन्होंने अरेस्ट किए हैं सऊदीया ने. अच्छा. लेकिन ये सारा टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं करेंगे. ये सिर्फ और सिर्फ अपना दुनिया को पागल बना रहे. और वो पंपियो जो गया था अमेरिकन, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी डील करके आया कि ठीक है 500 बिलियन इतने पैसे दे दो तुम्हें, कुछ कोई कुछ नहीं कहेगा. वो सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए गया था और इसीलिए उन्हें बस हाथ पैर गया अगर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. ये वर्ल्ड का डबल स्टैंडर्ड है. ये डबल स्टैंडर्ड की वजह से ये अगर कोई क्रिश्चियन होता, जूश होता, कोई और मरा होता तो ये चोर एक दिन में 24/7 मीडिया इनका उस पर चलता. 24/7 मीडिया इनका उसी पे लाभ था और वही 24/7 वही दिखाता ये जुल्म हो गया, ये जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो टेररिस्ट हो गया. अब जो टेररिस्ट थे उन्होंने किया उसके साथ, उसकी फोटो पिक्चरें भी मेरे पास किसी ने भेजी हैं इमरान शौकत की, जिस तरीके से उसको उसके जुल्माना तरीके से उसको पीसेस किए गए, उसके पीसेस करके फेंक दिया गया. और ये एक इंसानियत से उस वाकया और इंसानियत से शर्मा जाती है जिस तरीके से उसे मारा गया. और अभी ये कहते हैं कि उसे पता नहीं ये कैसे हो, ये बाई प्लान बाई पर्पज किया गया, ये एक्सीडेंटली नहीं काम हुआ कि वो अंदर गया उसका आर्गूमेंट हुआ और उसको मार दिया गया. लेकिन ये बकवास करते हैं, सब झूठ है. उसको बाई प्लान बाई पर्पज मारा गया और उसको बाकी कोई ऐसा वैसा उनके खिलाफ ना बोले ना उनके साथ बात करे, ये उन्होंने बाई प्लान किया बाई पर्पज़ किया, इसलिए ये कुछ भी नहीं होगा. इसलिए कि मुसलमानों में ये दो तीन मुल्क सबसे ज़्यादा ये सऊदी गवर्नमेंट इन्होंने नुकसान पहुँचाया और इनकी वजह से ही ये पैसे देते थे और ख़ुद इनको ब्लैकमेल होते हैं. अमेरिका को पैसे देते हैं, वो कहता है ठीक, ये अमेरिका खुद इनसे ये काम कराता है, खुद उनसे काम कराता है और बाद में उनको ब्लैकमेल करके और उनको उनके अंदर खौफ डालता है, उस खौफ को उनसे पैसे लेता है. सही बात. और इसी खौफ की वजह से उसको पैसे दे रहे हैं. ये कुछ भी नहीं होगा. देखें फलस्तीन में कितना जुल्म सितम हो रहा है. कोई बोला यूएनओ नहीं, ये यूएनओ नहीं है, ये डेड हार्स, ये अंधे ब्लाइंड बैठे हुए यूएनओ में. कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, वहां किसी ने कोई आवाज उठाई है, किसी ने कोई इंडिया के ऊपर सेक्शन लगाए नहीं. ये जब भी मुसलमानों पे कोई जुल्म सितम हो ये सब अंधे हो जाते हैं, सब दोहरे हो जाते हैं. अभी आपसे बात करेंगे इसी पे जो आप जिस तरह बात करें. इमरान, नाउ लुक एट दिस रेजिम, राइट? वी रियलाइज व्हाट दिस रेजिम इज अबाउट, द होल वर्ल्ड कैन सी व्हाट दिस Saudi regime is about, really. How can you justify the war on Yemen now? Absolutely. How can you do arms deal and keep on giving this kind of regime money so they can kill people in Yemen? It needs to stop. And the British government really needs to stop. It's also complicit because when we did deal with arms trade, only last summer, last week program, we didn't mention that. So just going back, Raisa, we have talked about the Saudi regime. इस वक्त डर और खौफ पैदा कर रही, तो जो भी इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो उनका यही है शर करना है उन्हें. को जो भी बोले उसके साथ ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो भी हमारे खिलाफ बोले कि हम जो भी करें वो उनके साथ यही है. वो ये सिर्फ खौफ डालने के लिए किया और वो खुद अमेरिका के खौफ में, अमेरिका सब कुछ अमेरिका खुद उनसे कराता है और फिर उनसे उसकी कीमत वसूल करता है. ये उसने उससे बाई पर्पस किया कि ये तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है और तुम उसका अपना बंदोबस्त करो. वो आए बाई पर्पस बाई प्लान आए, बिल्कुल उन्होंने उसे कत्ल किया और बेदर्दी से कत्ल किया और इंसानियत में ठीक है उसको गोली मारते या कुछ कर, लेकिन उसके जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया ये इंसानियत इंसान के नाम पर शैतान है. ये दरिंदों की तरह उसको कत्ल किया गया और उसको जिस अजाब से उसको मारा गया ये इंसान नहीं हो सकते, ये शैतान हो सकते हैं. जी जी. इसलिए अमेरिका इस शैतानी में शामिल है, CIA इस शैतानी में शामिल है, मुसाद इसमें शामिल है और इसमें राह ये तीनों सबसे ये वर्ल्ड वार थर्ड का ये तीन एजेंसियां इसकी जिम्मेदार होंगी, राह मुसाद और CIA.
یہی سب کچھ کریٹ کر رہے ہیں دنیا میں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ یو این او ہے کو میں نہیں مانتا, یہ یو این او نہیں ہے, یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. اس ٹوپی ڈرامے کو ہم نے کبھی, میں کہتا ہوں یو این او میں اگر کوئی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو, یو این او میں کوئی ریگولیشن پاس ہوئی ہے, کوئی اس پہ بیل لگا ہے, فلسطین پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن سب بندے ڈورے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں بکواس کر رہے, کوئی نہیں بول رہا. اسی طرح کشمیر پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہ صرف اور صرف ہماری حکومتوں کے, کشمیر میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے ان ایکس جو گورنمنٹ تھی زرداری اور نواز شریف ان کا فضل جو بیٹھا ہوا تھا, ان کی وجہ سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ایک سوچ نہیں سکتا انسانیت کے. ابھی آئیں گے آپ کے پاس اسی ٹاپک پہ جو فلسطین, یمن اور اریزونا مینشن کرائے اور جو بھی جہاں پہ قتل غارت کر رہے ہیں اس وقت, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. جس کا نکو فور شارٹ بریک, وی کین بی بیک. جو ابھی کال آئی تھی مسز آصف کی ان کو بھی جواب دیں گے. سو کیپ واچنگ لیگل میسج, وی بی بیک ان اے فیو منٹس. Welcome back to Legal Matters. So before the break, we were having a very good interactive program discussing about the issue with Jamal Khashoggi, who was mercilessly killed in Turkey, consulate at Saudi embassy. So we discussing chal raha tha. Apart from that, if you've got any legal issues or regarding immigration, civil litigation, then please feel free to contact us. So right up, jo abhi jo hum ye discuss kar rahe the, is what jo issues hain Yemen mein Saudi Arabia گورنمنٹ یو اے والی جو اس وقت آرمس جو سپلائی ہو رہی ہے ان کو وہاں قتل غارت کر رہے ہیں. نو بریز اس پہ زیادہ یو این او, یو این او نے تو ریزولیوشن بھی پاس کریں. جس طرح آپ نے کہا کیا ہو رہا ہے, آپ نے کہا تھا وہ ٹوپی ڈرامہ ہے. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو, وی ہیو ٹو پٹ مور پریشر فرام ادر کنٹریز ٹو اسٹیپ اپ, اس کو اسٹاپ کرنے کے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بیکاز ہیومن جو ہیومن لائف کو مطلب وہ ڈس ریگارڈ کر رہی ہیں. ہیومن رائٹس یہ سب اور صرف ان کی فیور کی ہیں جی, جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں ہیومن رائٹس والے بھی آ جاتے ہیں, سب آ جاتے ہیں, وہ سب جاگ جاتے ہیں. لیکن یہاں یمن ہو, بحرین ہو, یا اپنا فلسطین ہو, کشمیر ہو, جہاں پہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے, ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, اور یہ سب ورلڈ لیڈر اور مسلمان تو ہے ہی ایک قسم کے, ایک ایسے وہ الو ہیں, الو لیڈر تھے مسلمان کے, وہ جیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان کو دن کو نظر ہی نہیں آتا, ایسے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ان کی تو آواز ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں آواز اٹھا سکیں, کہ بول سکیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ یورپ ہو گیا یا امریکہ ہو گیا, سب سے بڑا نمبردار امریکہ بنا پڑتا, لیکن وہ تو بالکل آپ کے پاس آتے ہیں. ایک کال آر شامل کر دیں. کون کہاں سے؟ ویلکم ٹو لیگل میٹرز. جی وعلیکم السلام, ویلکم ٹو لیگل میٹرز. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. میری سسٹر یو کے میں آئی تھی, میری سسٹر یو کے میں آئی تھی آج سے 6 to 7 years بفور, اور میں نے ان کا اسائلم کیا تھا, تو پھر انہیں ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا تو انہیں واپس بھیج دیا گیا پاکستان جی. تو اس پہ انہیں وہ کیا گیا, ڈپورٹ کیا گیا, اور وہ وہاں بھی رہی تھی, وہ جو ان کی کسٹڈی میں نہیں رہتی تھی ادھر بھی رہی تھی. ہاں جی, تو وہاں سے پھر انہیں اس پہ بھی ہم بیل پہ بھی کہ وہ نے ایکسیپٹ ہوئی, سارا کچھ میں نے کیا, تو انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو پاکستان واپس لے لیا. تو وی آر کرسچن, تو وہ اس کا تھوڑا سا ادھر تھا پرابلم. ابھی آپ کا کوسچن کیا ہے؟ تو میرا یہ سر یہ کوسچن ہے رکھ سکتے نا, انہوں نے وہ بھی نہیں رکھتے, تو وہ صرف اکیلی ہیں اس وقت وہاں پر, تو انہیں ایز اے فیملی ممبر میں جیسے بلانا چاہتی ہوں, اپنی بہن کو, بڑی بہن ہے میری. آپ کا نام کیا تھا پھر سے بتائیں؟ میں مسز شاہ. مسز شاہ, تھینک یو ویری مچ. Keep watching the program, آپ کو جواب دیں گے. اینڈ وہ کہہ رہے تھے وہ کرسچن ہے, سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. شی سیڈ شی از کرسچن. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر ان کو ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شی از کرسچن. ٹھیک ہے, اوکے, ویلکم. ان کا جواب دیں گے. تو ابھی رائے صاحب سے علی رضا کو انوالو کر رہے ہیں ڈسکشن میں. تو اس سے پہلے جو کال آئی تھی ہم نے کہا تھا بریک کے بعد ان کو جواب دیں گے. مسز آصف ان کا کوشچن یہ تھا, تو ان کو 10 years ہو گئے کنٹینیوسلی, سو شی وانٹس ٹو اپلائی ناؤ فار نیشنلٹی, وہ سوری ڈیفینیٹلی. تو ان کا سو امپورٹنٹ وہ بتانے کی ہے ان کو, تو ان کا جو 10
10 years ke baad mukammal karne ke baad she needs to be a good character thoda sa ye bhi bataye good character bhi reference unko obtain lena padega सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का ये जवाब देंगे कि आप बिल्कुल अपना इंडेफिनिटली लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी बेसिस के तौर पे क्योंकि आपको यहाँ पर 10 इयर्स हो गए हैं जब किसी को यहाँ पर रहते हुए लॉफुली 10 इयर्स हो जाए तो वो अपने तौर पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो आपके दूसरे कोई स्पॉन्सर हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं आप उनके लीव टू रिमेन के लिए या उनकी परमानेंट जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उसका वेट करें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सुइटेबिलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है आपको ये देखना होता है कि आपने 10 इयर्स में कोई लॉ तो ब्रीच नहीं किया आपने इमिग्रेशन लॉ को तो ब्रीच नहीं किया आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगे और आपकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अरसा इस मुल्क में रहे हैं आप 450 डेज का पीरियड ऑफ टाइम होता है उससे ज़्यादा आप टोटली इस मुल्क से बाहर नहीं रह सकते अगर उससे ज़्यादा आप इस मुल्क से बाहर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा देयर शुड बी गुड रीज़न टू स्टे मोर देन 450 डेज दैट्स राइट या वी विल कम बैक टू दैट Call in, Eden. Welcome to Legal Matters. G. Hello. Welcome. Hello. G. Welcome to Legal Matters. Can we have your name, please? My name is Sayyid Hazar Ali Shah. Okay, welcome, Apne Shah Sahab. Welcome to the program. G. ठीक है तो मेरे तीन बच्चे हैं यहाँ पे ना मेरी वाइफ को ना दो दफा उन्होंने रेजिडेंस वीजा दिया तो तीसरी दफा में वो क्या वो देंगे डेफिनेट मेरी वाइफ को कौन सा वीजा मिला आपकी वाइफ को थोड़ा एक्सप्लेन कर किस कैटेगरी में रेजिडेंट किस कैटेगरी में जी मैंने उनसे शादी की ना यहाँ पे मुस्लिम मास्क के अंदर और आपका स्टेटस क्या है मैं ब्रिटिश हूँ और इस वक्त आप कहाँ पे रह रहे हैं मैं यहाँ लंदन में हूँ UK right okay so आपका question बच्चे मेरे यही पैदा हुए हैं अच्छा शाह साहब because of time आप अपना question बताएं what's your question उनका ये question है कि वो तीसरी दफा उनको वीजा देंगे बच्चों का क्या status है बच्चे तीनों ब्रिटिश जी बिल्कुल ये है कि इस कैटेगरी में स्पाउस वीजे की कैटेगरी में हो सकता है कि अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी करें तो एक और एप्लीकेशन होता है FLR FP जिसमें फैमिली मेंबर के तौर पे आप डिफरेंट एप्लीकेशन को चूज करेंगे जिसके तहत उनको लीव टू रिमेन मिल जाएगी इवन इफ आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम है इवन इफ आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज का अगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज का भी मसला है ना एप्लीकेंट का और ये बड़ा मसला है जी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का भी मसला तो इस सूरत हाल में आई मस्ट एडवाइज कि आपको FLR M जो स्पाउस वीजे का एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं डालना है आपने डालने फैमिली मेंबर की बेसिस पे आपने FLR FP का एप्लीकेशन डालना है और उसमें आपने ऑप्शन चूज करनी है बच्चों की बेसिस पे अगर आपकी वाइफ बच्चों की बेसिस पे एप्लीकेशन डालती हैं तो इंशाल्लाह जरूर उनको वीजा मिल जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है शाहजी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑब्वियसली अपने राय साहब से जो बात चल रही थी राय साहब टाइम बहुत शॉर्ट है थोड़ा सा ये बताएं जो इश्यूज जो अभी हम बात कर रहे थे वेरी क्विकली समराइज करके वो ये इशू है कि ये हमें इस पर पूरी फुल तवज्जो करनी चाहिए और उसमें कोई शिया सुन्नी वाबी किसी को नहीं सब मुसलम एज ए मुसलमान होकर हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लीडरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि ये लीडर हमारे लिए क्या करेंगे या हम इनको पीछे नहीं आंदे जैसे अपना नान रोटी बिरयानी की प्लेट के पीछे दौड़ते रहे अभी तक वही अपना किस्सा चाह रहा है नान रोटी वाला हमें चाहिए कि एक ऐसे उम्मत हो के और सोचे कि हमारे साथ कितना जुल्म सितम हो रहा है हर जगह पर जहाँ भी फलस्तीन में हो यमन में हो कश्मीर में हो जहाँ भी जुल्म सितम बर्मा में हो जितना जुल्म सितम मुसलमानों पर हुआ किसी आज की दुनिया में किसी जगह किसी और कौम पर नहीं हुआ किसी ईसाई किसी हिंदू पर किसी भी इतना नहीं हुआ और फिर मुसलमान टेररिस्ट कराते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडरों के लिए अपना ये गवर्नमेंट्स हैं जो बिकी हुई हैं रबश हैं रबश अभी वो इमरान आया तुर्की वाला या ईरान दो तीन मुल्क हैं जिनके जिनमें थोड़े से गैट्स हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए अगर ये ना कर सके तो फिर ये दलदल में जाएंगे और बिल्कुल ये वर्ल्ड वार की तो तैयारी है लेकिन ये इसीलिए इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार के लिए हम मुसलमान का मुकाबला ना कर सकें या हमारे मुकाबले के लिए खड़े ना हो सकें और इनकी जो सबसे बड़ी है वो जैसे नियाल हाशमी चूहा बोला था नियाल हाशमी पाकिस्तान आर्मी के बारे में कह रहा था बकवास कर रहा था ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के झंडे पे काम कर रहे हैं ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ये मोदी के झंडे पे ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का बयानी है वो बयान कर रहा था
جو اپنا نیہال ہاشمی تھا اور پاکستان آرمی کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور یہ بالکل ہم اس کو اجازت نہیں دیتے کہ دوبارہ ایسا کوئی اور کتا بلا دگرد اللہ کوئی بکواس کرے پاکستان آرمی کے خلاف. پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں. پاکستان آرمی میں جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے باپ نے قربانی دی ہیں. یہ اتنا اگر ہم امن سے سو رہے ہیں اور امن سے پاکستان کا نام ابھی تک باقی ہے اور صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے. دوبارہ ایسا کوئی دوبارہ کوئی غدار پیدا نہ ہو. پر زور مذمت کرتے ہیں اور یہ اپنا جی جی کہتے ہیں کہ اس کو ریسٹ ہونا چاہیے. ویسے آپ کون لے لیتے ہیں بہت اپنے اپنے ویوز کو اسٹرانگلی ویو بھی بتائیں ٹی وی پہ تو welcome to Legal Matters. Could you quickly put your question to us because we're actually running out of time. Hello. Hello. Welcome to Legal Matters. Hello. Yeah, I'm Dr. Bukhari. Maine abhi recently I came in 2015 on tier 2 visa from Pakistan. Okay. Aur ab meri extension was due in July aur maine extension ke liye June mein usko priority basis pe usko apply kiya tha. But within 8 days, I got the reply that it will take more than 8 weeks. Or it's been 17 weeks now that I haven't got any response. My home office won't go through automated emails. Is it good that I contact my local MP? What should I do? Because I'm aware I don't have my travel documents with me. Sure. Thank you. Aap ka jawab de de, Mr. Bakhari. Thank you for putting a question. We're actually running out of time. Aliza, would you want to say quickly before we come to that? Finally, would you like to say, just on the general issues we've been talking about, your Jamal Khashoggi and the Raja Sabna Jabban Shikari Devi, Yemen and Palestine and Kashmir. Yeah. I mean, one of the things I did want to say, I mean, we've spoken about these Saudi regime and whatever. One of the things I have to say, I'm very, very happy with the way things are going in Pakistan with Imran Khan, some of the laws that he's implicating, especially the traffic laws, which has always been a problem when you go to Pakistan. And things are changing and improving. And right. It's, you know, thank you for that. I'm very happy. Thank you, Ali. Baba Shukri. And Shazia, very quickly, Joby Kaulati, Mr. Bukhari, she should get a status update. She can travel. She needs to contact. یہ بات کریں تھوڑا سا جلدی ہم آفس والے اپنے شروع کا جب اکنالجمنٹ لیٹر بھیجتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن کو ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں 6 منتھس لگ جائیں. تو ایسی صورتحال میں 6 منتھس تک اگر آپ کا رپلائی نہیں آتا تو پھر آپ ان کو ان کا انٹرنل کمپلینٹ پروسیجر ہوتا ہے, آپ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں یا آپ ان کو اسٹیٹس اپڈیٹ کے لیے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کو آپ ان کو لیٹر بھیجتے رہیں ایوری 4 ویکس آپ ان کو لیٹر بھیجتے رہیں اور جب آپ کو رسپانس نہیں ملے گا تو وہ آپ کے لیے گڈ بیسس ہو جائیں گی کہ آپ ٹرائی کرتی رہی ہیں لیکن آپ کو رسپانس نہیں ملا, تو اس کی بیسس پہ دین یو کین موو فارورڈ. اگر ان کو ضرورت بھی پڑے ایز این ایمرجنسی جینوئن ریزن تو وہ دکھا سکتے ہیں شی نیڈز ٹریول ڈاکیومنٹس ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. اگین میں اپنے پینل کو شکریہ کرتا ہوں, علی رضا, شازیہ اینڈ رائے صاحب. Obviously, time's run out. We'd really love to carry on this debate. ٹریٹمنٹ وہ فیس کر رہی ہیں اگر پاکستان میں جس کنٹری میں بھی ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے وہاں پہ ان کو جو ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, فیملی اڈاپٹ نہیں کر رہی, تو اس کے بیسس پہ ضرور کوشش کی جا سکتی ہے لیکن آپ کسی سولیوشن مگر وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. Yes, I say now would be the best answer for that one because time needs that. She can contact us after the program. So again, we'd love to continue discussion. Discussion جو جاری تھی is absolutely, we don't have 1 hour, we need about 2 hours, 3 hours. Right, so I'm going to achieve that again. We need to discuss some of them issues. Just what's going on with the leadership around the world? United Nations going to mention that resolutions have been passed. They're not been us pe koi wo matlab implementation nahi ho rahi hai, and that's the result of why we've seen so many issues. Jahan pe marzi aati hai unko enforce karte hain, jahan nahi aati wo use ignore karte hain, whether they're making deals or apne dealings ban rahi hai unke sath. These are the issues we're going to talk about on the wider issues. And also جو ہمارے پروگرام میں ہوگا ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے جو ڈیریویٹیو رائٹس ہیں, اس پہ بھی ہم نے پروگرام میں لے کے آنا ہے. سو اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں یہاں پہ کوئی ایز اے کیئرر آف اے برٹش نیشنل, اس میں آپ کے کیا رائٹس ہوں گے, نیکسٹ پروگرام وی ول بی ڈسکسنگ دیٹ. اینڈ آبویسلی اگین اف یو گاٹ اینی ایشوز ریگارڈنگ امیگریشن سول لٹیگیشن وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو آنسر یور کالز, اس کے ہم معذرت کرتے ہیں بیکاز وی ڈنٹ ہیو مچ ٹائم. And you can contact us after the program. We'd be more than happy. So thank you for watching Legal Matters. And Andy Kijazadeh will be back here, same time, same place. And see you soon. Take care.